ही जाएगी उसमें। नक्सल क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा जिस तरह से नक्सल क्षेत्रों में भी कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, इससे लगता है कि सरकार का किसी भी तरह से कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। पूर्व सीएम ने के इन आरोपों पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पलटवार किया और कहा 15 साल के शासन में जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो उन्हें इस पर किसी भी तरह से बयान देने का अधिकार नहीं है। इनका नक्सल क्षेत्र में भी जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, सरकार से संभल नहीं रहा है और सरकार दूसरे काम में लगी है, अधिकारियों का दूसरा उपयोग कर रही है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद उन्होंने एक नारा दिया, विश्वास, विकास और सुरक्षा। हम लोग आदिवासियों के मन में विश्वास भी जागृत कर रहे हैं कि सरकार उनके लिए, वहाँ तक विकास भी पहुँचा रहे हैं। अगर हम हल पकड़ाएंगे तो बंदूक नहीं पकड़ेंगे, अगर हम हल नहीं पकड़ाएंगे तो बंदूक पकड़ेंगे। और कोरोना को लेकर बीजेपी